वर्ड पावर वाले इस सेक्शन में हम लोग एक और लॉट का वर्ड्स करते हैं, लेकिन फिर से आपको याद दिला दूं कि वर्ड्स को टिकाने के लिए जरूरी यह है कि आप रिवाइज कितना करते हो। डिवीजन कभी भी बैक टू बैक नहीं होनी चाहिए। बैक टू बैक इन अ सेंस कि हमने अभी सीख लिया, याद करना नहीं होता, सीखा हमने और जस्ट दो घंटे के बाद रिवाइज करना है, अभी वो दिमाग में फ्रेश रहेगा। थोड़ा निकलने दो, एक दिन दो दिन का टाइम दे दो और तब रिवाइज करो, और अगर जितने वर्ड्स का मीनिंग याद आ रहा है समझ लेना वो टिका हुआ है। और वो याद आने में परसेंटेज कितना होगा वो ये कि जब आप फर्स्ट टाइम वर्ड को सीख रहे थे तो आपने वर्ड्स को समझा कितने अच्छे से था, आपने वर्ड को अच्छे से समझा कितने तरीके से था। सो अब एक नए लॉट का वर्ड करते हैं हम लोग। चलिए, रेक्टिफाई, किसी भी मिस्टेक को खत्म करना, सुधार करना उसमें। फैबुलस, शानदार, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, तुम कुछ भी रख सकते हो। विराट कोहली प्लेड अ फैबुलस इनिंग, फैबुलस शानदार वाले सेंस में, ड्रेस अच्छा हो, कोई भी चीज बहुत अच्छा हो, शानदार हो, फैबुलस इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटोक्रेटिक, जानते होंगे आप, तानाशाह। डेफर, मैंने यहां जानबूझ के लिखा है ताकि आपको कुछ हेल्प मिले, इसके दो दो मीनिंग होते हैं। डेफर का एक मीनिंग होता है टू पोस्टपोन, मैं जानबूझ के लिख नहीं रहा हूं ताकि लिख दूंगा तो तुमको फिर प्रेशर कैसे रहेगा। किसी भी चीज को हम डेफर करते हैं तो हम उसको आगे के समय के लिए टाल देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। और डेफर का एक मीनिंग होता है किसी का रिस्पेक्ट करना, दो मीनिंग अलग अलग, कोई कनेक्शन नहीं है दोनों में। किसी काम को पोस्टपोन करना, हमने इस काम को डेफर कर दिया। डिलीबरेट, अगेन दो मीनिंग, अगर इसको एडजेक्टिव के तौर पे लो, यहां तो दोनों भर भी था, टाल देना, आदर करना, दोनों भर भी है, लेकिन यहां पे क्या है कि एक है भर्व, और भर्व के तौर पे इसका मीनिंग होता है किसी बात पर गहराई से विचार करना। और डिलीबरेट का एज एन एडजेक्टिव मीनिंग होता है जानबूझकर, सोच समझकर, इंटेंशनल, गहराई से विचार करना और इंटेंशनल। सेवर, किसी चीज का आनंद उठाना। अब मैं फ्लेवर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं स्वाद ले लेके खा रहा हूं, तो आई एम सेवरिंग इट। ये भी बोल सकते हैं दैट दिस डेज ही इज सेवरिंग हिज सक्सेस, अपने सफलता का आनंद उठा रहा है, इंजॉय कर रहा है। ट्रिमिंग, कटौती करना। डिस्पैरिटी, असमानता। मैंने बोला देयर इज ह्यूज डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर, दोनों के लेवल में बहुत असमानता है, एक बहुत रिच है, एक बीच में खाई, वही गैप, डिस्पैरिटी। फोर्टिफाई, अपने स्किल को मजबूत करो। देखो यहां पे एक एक हेल्प मिल रहा है, फोर्ट, किला, तो किला बंदी करना हम रख सकते हैं, मतलब मजबूत करना उसको। पॉसिटी, फंड की कमी, लैक, कमी है उसकी। पेसिफाई, गुस्से को शांत करना। फ्लॉन्ट, अपने धन का प्रदर्शन, किसी भी चीज का हम दूसरे को इंप्रेस करने के लिए प्रदर्शन करते हैं तो वी आर फ्लॉन्टिंग। सब्जुगेट, किसी को अपना गुलाम बना लेना, मैंने जानबूझ के दिया है शासक, गुलाम बना लेना किसी को। एस्ट्रिंजेंट, लॉ, पर्टिकुलरली कठोर कानून, बहुत कठोर, हार्श, स्ट्रिक्ट। ट्रैंक्विल, शांत, एकदम शांति है, कोई उथल पुथल नहीं है, ट्रैंक्विल। सॉर्डिड, बहुत बुरी स्थिति, गंदा भी होता है, डर्टी भी होता है, गरीबी से भरा हुआ, स्क्वैलिड भी एक और वर्ड। सॉरी,
बुरी स्थिति, गरीबी, डर्टीनेस, वट एवर, एंड नेफेरियस, बुरा एक्टिविटी, गलत काम. ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज नेफेरियस एक्टिविटीज. बोस्टरस, ठहाका मार के, बहुत शोर भरा, हंगामेदार, लाफ्टर. मेलो, मैंने तीन सिचुएशन दिया है, तीनों में अलग अलग ही होता है. अगर फ्रूट मेलो होगा तो रसदार होगा, अगर पर्सन मेलो होगा तो नम्र होगा, हम्बल, और अगर लाइट मेलो होगी तो आंख को सुकून पहुंचाएगी. डिम लाइट नहीं है, दिख रही है चीजें अच्छे से बट आंख पे गड़ नहीं रही है, दे आर कॉल्ड मेलो लाइट. डर्थ, कमी, वही पॉजिटिव वाला मीनिंग, पॉजिटिव जैसे कमी था वही डर्थ का भी मतलब वही होता है. सर्कुटस, देखो जरा ये सर्किल से इसको जोड़ लेना, किसी भी बात कोई रास्ता अगर है तो सर्कुटस है तो घुमावदार है. एक्सप्लेनेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दे रहे हैं, घुमा फिरा के सारी बातें बता रहे हैं, सर्कुटस एक्सप्लेनेशन. केजोल, कोई सिचुएशन नहीं बनेगा, किसी की चापलूसी करके अपना काम निकालना, चापलूसी करना ताकि अपना काम निकल जाए. फिक्टिशियस, काल्पनिक, मनगढ़ंत कहानी, फिक्शन से आप रख सकते हो, फिक्शन से रख सकते हो, फिक्शन का एडजेक्टिव टाइप का, फिक्टिशियस स्टोरी. ऑब्सीन, अश्लील, वल्गर. इमिटेट, किसी की नकल करना, इमिटेशन. इंडिक्ट, एक्यूज का मीनिंग आता है, आरोप लगाना. अप्रेज, वंस परफॉर्मेंस, किसी के परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, इवेलुएट करना, इवेलुएट करना, इवेलुएशन, मूल्यांकन करना. इसीलिए साल में ईयरली अप्रेजल होता है, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, कोई उसने उस साल काम कैसा किया. प्रिपॉन्डरेंस, किसी भी चीज की अधिकता, बहुतायत. ल्यूसिडिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, सर्कुटस था ना घुमा फिरा के, ये नाउन है. क्लैरिटी, एकदम स्पष्टता. इनफेमी, फेमस से ये बना हुआ है, फेम से बना हुआ है, फेम का ऑपोजिट हो गया इनफेमी. इनफेम नहीं होता, इनफेमी होता है. वो बुरा नाम लोग जानते हैं लेकिन गलत कारणों से. इंट्रेपिड, बहादुर, जिसे डर ना लगे. इनक्लेमेंट वेदर, एकदम उथल पुथल भरा, मतलब अशांत, बारिश हो रही है, तेज हवा चल रही है, द वेदर इज इनक्लेमेंट. जेनियल पर्सन, बहुत फ्रेंडली बिहेवियर अच्छा है उसका. एक्रू, एक इसका मतलब रहता है होना, प्रॉफिट होना, लॉस होना, एक्रू होने का इसका मीनिंग होता है, लेकिन वो और किसी चीज के होने के लिए नहीं, प्रॉफिट लॉस के लिए. पॉइग्नेंट, सीन, दिल को छूने वाला. हिंदी में एक वर्ड होता है ना बहुत टफ वर्ड, मर्मस्पर्शी, मतलब दिल को छूने वाला. विंडिक्टिव, किसी के प्रति बदला लेने की कि या उसको हानि पहुंचाने के भावना से प्रेरित, बदल लेने या हानि पहुंचाने के प्रति की भावना से हम इंस्पायर्ड हैं. नेक्स्ट, ऑडेसियस, बोल्ड, ढीट. एक्चुअली इसको बोल्ड बोलते हैं बट निगेटिव सेंस में, मतलब थोड़ा उदंड टाइप का हो गया है. रेफरी, भारी वर्ड है. डे ड्रीम, जब आप आंख खुला हुआ आंख से आप सपना देखते हो, ऐसा होगा, वो होगा, दैट इज कॉल्ड रेवरी. फ्लॉन्ट, अभी हम लोगों ने किया था ना वंस वेल्थ, शायद फ्लॉन्ट फ्लॉन्ट यहां भी है. आई बिग योर पार्डन, रिपीट हो गया. दिखाना, एक्यूट, बहुत ज्यादा पेन, दर्द. सॉलिसिट, किसी से किसी बात के लिए अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना. सरमाउंट,
ये माउंटेन से आप याद रख सकते हो, अपने समस्या या किसी कठिनाई पर विजय प्राप्त करना, उसको उस पर विजय प्राप्त करना, उस पर जीतना। पूछ, वाइल्ड एनिमल्स, गैर कानूनी तरीके से शिकार करना, शिकार करना बट कानून नहीं, गैर कानूनी तरीके से। रेपार्टी, वो हंसी मजाक दोस्तों के बीच में होता है ना, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, मतलब हम लोग मिलते हैं दोस्त लोग तो हंसी मजाक जो करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेपार्टी बिटवीन फ्रेंड्स। एग्जॉर्ट, किसी को प्रेरित करना कोई काम करने के लिए, किसी को मोटिवेट करना। ल्यूरिड, स्टोरी होगा बहुत बीभत्स टाइप का, बहुत खराब स्टोरी, मतलब खून खराबा इत्यादि इत्यादि भरा हुआ। ल्यूरिड कलर होगा तो एकदम आंख को गड़ने वाला, जैसे मेलो का ठीक अपोजिट, मेलो मतलब मध्यम, आंख को अच्छा लगने वाला, ल्यूरिड एकदम चमकीला। वो कभी कभी शादियों में जो लाइट्स होते हैं, दे आर क्वाइट ल्यूरिड। पायस पर्सन, पवित्र नेचर का, धार्मिक नेचर का। अबेंडन, छोड़ देना किसी भी चीज को। डिलीजेंट, कोई भी जो मेहनत हो, मेहनत पूर्वक काम करे, मेहनत से काम करने वाले को, केयरफुली काम करने वाले को डिलीजेंट वर्कर। कॉपियस, इसको कॉपी से याद रख सकते हो, मात्रा या नंबर बहुत ज्यादा, वैकेंसीज अगर मान लो कहीं किसी में वैकेंसी, देर आर कॉपियस नंबर ऑफ वैकेंसीज, या वैकेंसीज आर कॉपियस, हम ऐसे कर सकते हैं। नाउ सुधार करना एरर को, दो मीनिंग, किसी बात को पोस्टपोन करना या किसी बात को टालना, सॉरी पोस्टपोन करना या आदर करना, बेग योर पार्डन, आदर करना। सेवर, आनंद उठाना किसी भी चीज का। फोर्टिफाई, मजबूत करना उसको। पेसिफाई, गुस्से को शांत करना। ट्रिमिंग, काटना, काट छांट करना, उसमें कटौती करना। फ्लॉन्ट, प्रदर्शन करना दूसरे को इंप्रेस करने के लिए। पॉसिटी, कमी, एक और वर्ड था डर्थ, कमी। डिस्पैरिटी, असमानता, बीच में खाई, गैप। डेलिबरेट, भर्व के तौर पे गहराई से विचार करना। एडजेक्टिव के तौर पे जानबूझकर, इंटेंशनल। अधीन बना लेना, गुलाम बना लेना। कठोर कानून, शांत बिना उथल पुथल के। सॉलिड स्क्वालिड, बहुत बुरा गंदा डर्टी कंडीशन। नेफेरियस, गलत एक्टिविटी। बोस्ट्रस, ठहाका मार के हंसने वाली बात। मेलो, रसदार, नम्र, आंख को अच्छा लगने वाला, और इसी का उल्टा ल्यूरिड। सर्कुटस, घुमावदार, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं। कैजोल, गायब हुआ होगा, किसी की चापलूसी करना, खुश करना अपना काम निकालने के लिए। फिक्टिशियस, फिक्शन से काल्पनिक। ऑब्सीन, अश्लील, वल्गर। इमिटेट, नकल करना किसी का। इंडिक्ट, किसी पर आरोप लगाना, ये गायब हुआ होगा, कैजोल गायब हुआ होगा। अप्रेज, इवेल्युएशन, इवेल्युएट करना किसी के परफॉर्मेंस को। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, एकदम अस्पष्टता। प्रिपॉन्डरेंस, देखो ये गायब हुआ होगा, अधिकता किसी भी चीज की। इन्फेमी, ये नहीं गायब होगा, कुख्याति। इंटरपिड, बहादुर। इनक्लेमेंट, खराब मौसम। एक्रू, होना, प्रॉफिट या लॉस। प्रेग्नेंट, दिल को छूने वाला। विंडिक्टिव, दूसरे को हानि पहुंचाने के भावना से प्रेरित। जेनियल पर्सन, मित्रवत, फ्रेंडली। बोल्ड, ठीक है। रेवरी, डे ड्रीम, गायब हुआ होगा। रेवरी, दिन में आंख खोल के सपना देखने वाली बात। फ्लॉन्ट हो चुका था, दिखावा करना। सॉलिसिट, किसी से रिक्वेस्ट करना,
किसी भी चीज के लिए, बहुत तेज पेन, कठिनाई पर विजय प्राप्त करना, इलीगल शिकार करना, किसी को प्रेरित करना कोई काम करने के लिए, फ्रेंडली एक्सचेंज, हंसी मजाक, लिवरिड, कलर वही मेलो का उल्टा, और एक स्टोरी बहुत विभत्स, बहुत खराब, डिलीजेंट, मेहनती, काम करने वाला, केयरफुली, पायस, पवित्र, कॉपियस, बहुत ज्यादा मात्रा में या नंबर में, अबेंडन, त्याग देना। देखो 20-22 मिनट का क्लास हुआ होगा अगर मैंने, और सिर्फ मैंने बोला है, तुमको इस 50 वर्ड में से मैक्सिमम याद हो गए होंगे, 4-5 छोड़ के। यही इसकी खूबसूरती है, तुमको सिचुएशन में मिल गया और उसने तुमको हेल्प करने में, दिमाग में टिकाने में एक सहारा दे दिया कि इसे आप टिका सकते हो। आप स्वयं भी इस टेक्निक को डेवलप करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वर्ड पार्क वीडियो में। थैंक यू आप लोगों को।